हाय दोस्तों, मैं मिलन और आप देख रहे हैं टेक स्ट्रीट और टेक न्यूज़ के 30वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों, आज भी मैं बहुत सारे नए टेक न्यूज़ लेके आया हूँ, तो देखते रहिए इसी वीडियो के अंदर। लेकिन लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप नए हैं और लेटेस्ट न्यूज अपडेट ऐसे ही सबसे पहले देखने और अगला की वे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को दबा के ऑल कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट ऑसम टेक अपडेट की नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहला अपडेट आता है सैमसंग की गैलेक्सी S11 सीरीज के बारे में, जो अगले साल फरवरी में लॉन्च होने वाली है। 18 फरवरी उसकी डेट है, मैंने आपको पहले भी बताई, आज भी बता रहा हूँ। 18 फरवरी को लॉन्च हो सकता है ये सैमसंग की गैलेक्सी S11 सीरीज, और साथ में सैमसंग का फोल्डेबल फ़ोन नया लॉन्च हो सकता है जो हिंज मेकेनिज्म पे चलता है, यानी क्लैम्प सेल टेक्नोलॉजी पे चलता है। तो आज का लीक है S11 टेक्नोलॉजी के बारे में, जो S11 फ़ोन के अंदर जो कैमरा मिलने वाला है वो 108 मेगापिक्सल का सेकंड जनरेशन का कैमरा होगा, जहाँ पे नई टेक्नोलॉजी यूज़ होने वाली 921 बेयर टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा, जो ज़्यादा लाइट कैप्चर करेगी। जो एग्जिस्टिंग 108 मेगापिक्सल का कैमरा है वो 4:1 बेयर टेक्नोलॉजी पे चलता है, यानी कम लाइट कैप्चर करती है 9:1 के मुकाबले। लेकिन वहाँ पे मिलने वाला है 9:1 बेयर, यानी जो डिफ़ॉल्ट में जाती है वही 108 मेगापिक्सल की आएगी, यानी बहुत ही बढ़िया लाइटिंग वाली। अगर लो लाइट में परफॉर्मेंस देखेंगे तो बहुत ही टासू होगी इसकी। तो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया सेकंड जनरेशन का 108 मेगापिक्सल का कैमरा होने वाला है सैमसंग का S11 का। तो दोस्तों, आप क्या सोच रहे हैं ये S सीरीज के बारे में, जो सैमसंग की लॉन्च होती है हर साल पहले क्वार्टर में लॉन्च हो जाती है, कुछ इनोवेटिव लेके आती है या हर बार की तरह ऐसे ही आ जाएगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगला अपडेट आता है रियलमी के X50 के लिए, जो जल्दी ही चाइना में लॉन्च हो सकता है, शायद 5 जनवरी को लॉन्च होने वाला ये फ़ोन। तो इस फ़ोन के अंदर आ सकता है 64 मेगापिक्सल का सोनी का नया IMX686 सेंसर। दोस्तों, IMX686 सेंसर, नोट 586, क्योंकि 48 मेगापिक्सल का जो सोनी का सेंसर है वो IMX586 है, जो बहुत सारे फ़ोन्स में देखने को मिलता था, जैसे कि OnePlus में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दिया गया है IMX686, जो 64 मेगापिक्सल का सेंसर है वो मिल सकता है, और साथ में स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर के साथ आ सकता है, वो जो एक 5G प्रोसेसर है जहाँ पे इंटीग्रेटेड 5G मॉडम मिलती है, और साथ में आपको मिल जाएगी 6.6 इंच की 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलने वाली है, 4500 mAh की बैटरी मिलने वाली है, और उसको चार्ज करने के लिए 30 वोल्ट का चार्जर मिलने वाला है। और ये फ़ोन हो सकता है 5 जनवरी को चाइना में लॉन्च। इंडिया में तो पता नहीं कब होगा लॉन्च, शायद इंडिया में भी लॉन्च हो सकता है, लेकिन 4G के साथ आएगा, 5G के साथ नहीं आएगा। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इंडिया में 4G 5G कब तक आना चाहिए, 5G टेक्नोलॉजी इंडिया में जल्दी आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगला अपडेट जो आता है वो OnePlus की तरफ से आता है, OnePlus CES 2020, यानी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो 2020, जो लास वेगास में होने वाला, वहाँ पे कुछ नई इनोवेटिव प्रोडक्ट ला सकती है OnePlus, या तो फिर नया कॉन्सेप्ट फ़ोन ला सकती है, ऐसा OnePlus ने बताया है। दोस्तों, CES 7 जनवरी को लास वेगास में होने वाला है, तो वहाँ पे OnePlus भी कुछ नया कर सकते हैं, या तो फिर नया गैजेट ला सकते हैं, या तो फिर नए फ़ोन का कॉन्सेप्ट ला सकती है, ऐसा OnePlus ने आज बताया है। अगला अपडेट आता है Apple के आर्केड गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए, जहाँ पे सब्सक्रिप्शन पैकेज होता है वो इंडिया के लिए बड़ी बात है, कि इंडिया में आ गया है नया एनुअल सब्सक्रिप्शन पैकेज, जहाँ पे आप 999 के अंदर उठा सकते हैं एक साल के लिए एप्पल आर्केड का फ़ायदा। और पहले जो एग्जिस्टिंग प्लान था वो था पर मंथ का, जहाँ पे 99 पर मंथ देना पड़ता था, लेकिन यही प्लान आपको 999 में मिल जाएगा पूरे साल के लिए, यानी 200 रुपये का फ़ायदा। दोस्तों, आपको पता तो है ना एप्पल आर्केड क्या है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। एप्पल आर्केड एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं, जो पिछले ही साल लॉन्च किया था एप्पल ने, यानी 2019 में लॉन्च किया था, सितंबर महीने में लॉन्च किया था, जहाँ पे 100 से ज़्यादा गेम उसने इंक्लूड की थी। लेकिन ये जो गेम्स है वो सिर्फ एप्पल प्लेटफॉर्म के लिए ही, यानी एप्पल हार्डवेयर के लिए ही बनी है, यानी ये गेम आप सिर्फ आईफोन, आईपैड, आईमैक या तो फिर एप्पल टीवी में ही खेल पाएंगे। और दोस्तों, ये जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही फेमस है US और यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, और इंडिया के लिए भी जल्दी ही फेमस होने वाला है ये प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, यही है, ये एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं। हाल ही में उसमें गेम ऐड हो गया, अल्टीमेट ट्राइवल करके गेम है जो बहुत ही फेमस है US के अंदर, वो भी इसमें ऐड हो गई। तो दोस्तों, आप ये ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में क्या सोचते हैं, आप ये ऑनलाइन गेमिंग सब्सक्रिप्शन पैकेज के बारे में क्या सोचते हैं? दोस्तों, ये जो पैकेज है वो वैसे नहीं है कि इंडिया के अंदर, बाहर आपको बहुत सारे अलग पैकेज मिल जाएंगे, जैसे प्ले स्टेशन का भी सब्सक्रिप्शन पैकेज है, एक्सबॉक्स का भी है,
लेकिन इंडिया के अंदर ये मौजूद नहीं है क्योंकि इंडिया में इतनी फेमस यानी सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पता नहीं लॉन्च क्यों नहीं है। आप क्या सोचते हैं इसी ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला अपडेट आता है Realme X2 के लिए। फाइनली Realme ने इंडिया में लॉन्च कर दिया Realme X2 विद 730G प्रोसेसर, यानी स्नैपड्रैगन के गेमिंग सेंट्रिक 730G प्रोसेसर के साथ लॉन्च हो गया ये फ़ोन, जहाँ पे इसकी प्राइस रखी गई है 16,999 से 19,999। दोस्तों इसका अनबॉक्सिंग वीडियो तो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, अगर तो भी आपने नहीं देखा तो ऊपर कार्ट में और नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको इसका अनबॉक्सिंग वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं, ये फ़ोन थोड़ा लेट लॉन्च हुआ या फिर टाइम पर लॉन्च कर दिया है? मैं तो सोचता हूँ ये बहुत ही लेट लॉन्च किया था, बहुत ही जल्दी लॉन्च करना चाहिए था, क्योंकि चाइना में तो यार एक डेढ़ दो महीने पहले लॉन्च हो गया, तो इंडिया में क्यों इतना लेट लॉन्च किया? तो दोस्तों ये जल्दी लॉन्च करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। और यहाँ पे और एक अपडेट इसका भी आया है कि ये जो ये Realme X2 है उसके अंदर आपको Android 10 यानी कलर OS 7 बेस Android 10 का अपडेट आपको मार्च महीने में मिल जाएगा। हालांकि Realme ने पूरा जो रोड मैप है वो यहाँ पे बताया कौन कौन से फ़ोन में कब अपडेट मिलने वाला है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला अपडेट आता है वो भी Realme की तरफ से आता है, Realme के Buds Air के बारे में जो आज लॉन्च हुए हैं, जिसकी प्राइस आ गई है करीब 3,999 पे। नए लीक्स में यहाँ पे आया था 4,999, लेकिन उससे भी 1,000 घटकर आ गई है 3,999। और ये बहुत ही बढ़िया है, तीन कलर ऑप्शन में मिलते हैं और यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी, और यहाँ पे जो बैटरी बैकअप है यानी जो बैटरी लाइफ है वो 17 घंटे की मिलती है, यानी बहुत ही बढ़िया कह सकते हैं, यानी 17 घंटे का कंटिन्यूस म्यूजिक प्लेबैक टाइम मिलता है। और वहाँ पे ये वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है इसका केस। और साथ में बात करें तो यहाँ पे और एक यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है इसी बर्ड्स का, कि यहाँ पे गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट भी मिल जाएगा, यानी गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट, और दोनों बर्ड्स के अंदर माइक्रोफोन्स लगे हुए हैं, यानी इसको सेपरेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं इसी बर्ड्स के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगला अपडेट आता है Realme की पैसा ऐप के बारे में है, जो आज ही लॉन्च हो गई है, जो मी क्रेडिट ऐप की राइवल भी कह सकते हैं, सभी तरह से कंपटीशन दे रहा है Realme Redmi को यानी Xiaomi को इंडिया में। अभी हाल ही में मी क्रेडिट ऐप लॉन्च हुई थी, तब भी यहाँ पे Realme ने भी ऐप लॉन्च कर दी है जिसका नाम है पैसा ऐप। और यहाँ इसी माध्यम के जरिए आप ले पाएंगे इंडिविजुअल और बिजनेस लोन। इंडिविजुअल लोन आप करीब 8,000 से 1 लाख तक ले पाएंगे, और जो बिजनेस लोन है वो करीब 50,000 से 20 लाख तक ले पाएंगे। इसके लिए कई कंपनियों के साथ Realme ने पार्टनरशिप की रखी है, उसके हिसाब से ही आपको लोन दे पाएंगे। तो दोस्तों सभी प्लेटफॉर्म पे टक्कर दे रहा है Realme Xiaomi को इंडिया के अंदर। अगला अपडेट आता है Samsung के Galaxy A51 के बारे में, जो जल्दी ही इंडिया में लॉन्च हो सकता है, क्योंकि थोड़े ही दिनों पहले वियतनाम में लॉन्च हुआ था, लेकिन आज इंडिया की सैमसंग की साइट के अंदर इसका सपोर्ट पेज आ गया है, यानी जल्दी ही A51 इंडिया में लॉन्च हो सकता है। अगर आपको स्पेसिफिकेशन नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, वहाँ पे 6.5 की यूज सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाली, यानी बड़ी एमोलेड डिस्प्ले, और पंच होल कैमरा, यानी पंच होल वो भी मिडल में, जो नोट 10 सीरीज में देखने को मिलता है वैसे ही मिडल में यहाँ पे पंच होल कैमरा दिया गया है। और बैक के अंदर पोर्ट कैमरा सेटअप दिया गया है, जहाँ पे प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलने वाला है सैमसंग की तरफ से, एक्सीनोस 9611 प्रोसेसर मिलने वाला है, 4000 mAh की बैटरी मिलने वाली है। यही सब कुछ है इसी फ़ोन के अंदर, तो देखते हैं इंडिया में ये कौन सी प्राइस रेंज में लॉन्च होता है। मेरे हिसाब से शायद 20 से 25,000 के बीच में लॉन्च होना चाहिए, तो ये एक अच्छा मार्केट शायद कैप्चर कर पाए, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस की वाइस देखे या तो फिर अच्छे प्रोसेसर की वाइस देखे तो यार 20 से 25,000 ठीक ठाक है इसी फ़ोन के बारे में। अगला अपडेट आता है वो Samsung के ही Galaxy Note 10 Lite के बारे में। हाँ दोस्तों, Note 10 Lite यानी Note 10 का लाइट वर्जन आने वाला है, जहाँ पे मिलने वाली है आपको S Pen, जिसको आप ट्रैक भी कर सकते हैं ब्लूटूथ के जरिए, यानी ये अभी लीक्स आ गया है, तो जल्द ही Note 10 Lite भी आपको देखने को मिलेगा। थोड़े कम स्पेसिफिकेशन के साथ आएगा, कम कॉन्फ़िगरेशन यानी परफॉर्मेंस थोड़ा कम होगा ओरिजिनल Note 10 से, लेकिन आपको यहाँ पे मिल जाएगी S Pen। दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगला अपडेट आता है Vivo के X30 और X30 Pro के बारे में, जो दोनों फ़ोन है वो 5G इंटीग्रेटेड फ़ोन है, जहाँ पे मिलने वाला है Samsung का Exynos 980 SoC, जो एक 5G इंटीग्रेटेड मॉडम वाला SoC है, जो सबसे पहली बार फ़ोन में यूज़ हुआ है Samsung का ये SoC, जो 980 यानी 5G इंटीग्रेटेड मॉडम के साथ आएगा। और दोनों फ़ोन्स में डिफरेंस इतना ही है, जो 5G Pro है वहाँ पे क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, और एक जो कैमरा है वो 60x जूम तक के लिए दिया गया, पेरिस्कोपिक कैमरा दिया गया है, और बाकी दोनों में कॉन्फ़िगरेशन सेम ही है, 6.44 इंच की सुपर एमोलेड
दोनों में पंच होल डिस्प्ले मिलती है, फिर वहाँ पे दूसरी बात करें तो 4350 mAh की बैटरी मिलती है और 33 वोल्ट का चार्जिंग भी मिल जाती है। सभी कुछ है, लेकिन ये फ़ोन इंडिया में आएगा या नहीं वो नहीं पता, क्योंकि ये 5G टेक्नोलॉजी पे चलने वाला फ़ोन है और चाइना में हाल ही में एक महीने में बहुत सारे 5G फोन्स लॉन्च हो गए, लेकिन इंडिया में उसमें से कोई भी नहीं आ सकता है अभी, क्योंकि सभी 5G फोन्स और इंडिया में 5G टेक्नोलॉजी अभी तो मुझे दूर दूर तक नहीं दिखती है। तो दोस्तों, अगर आपको आज के टेक न्यूज़ अच्छे लगे हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप नए हैं और लेटेस्ट के अपडेट ऐसे ही सबसे पहले देखने और अगला गिवअवे देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट ऑसम टेक अपडेट की नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग।